वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम स्क्विंट पढ़ रहे थे और स्क्विंट को ज़ाहिर है असेस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट तरह के टेस्ट की ज़रूरत होती है जो कि अभी हम कर रहे हैं। उनमें से एक जो अभी मैं आपको बताने लगी है हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको मेडॉक्स रॉड टेस्ट बताया, एक और होता है मेडॉक्स विंग टेस्ट। वो डिटेल में करने की ना जरूरत नहीं होती होती, मतलब जाहिर सी बात है वो एक बहुत सफिस्टिकेटेड सा इंस्ट्रूमेंट है। मतलब उसमें मैं आपको तस्वीर अगर आप देख रहे हो खुद भी आगे उसमें, जिस तरह हमारे मेडॉक्स रॉड में तो ये ना रॉड एक अलग होता है वो हमें पकड़ना पड़ता है, और जो चार्टिंग वाला टेंजेंट स्केल है वो एक अलग होता है। मेडॉक्स विंग में आप समझने सब कुछ एक ही तरह से फिक्स हुआ है और पेशेंट को हम देखते हैं, पहनाने के लिए देते हैं और वो देखता है उससे, और वो सामने ही चार्ट सा बना हुआ होता है वैसे करके होता है ना, सामने लगा हुआ होता है। ठीक है, सामने एक चार्ट सा लगा हुआ होता है और उसके साथ एक ऐसे सेंटर में एक ऑक्यूल मतलब दरम्यान में एक काफी लंबा सा और समझ ले सेपरेशन सी होती है, और एंड पे एक ग्लासेस टाइप चीज होती है। वो ग्लासेस ही पेशेंट जब पहनता है ना और दरम्यान में ऑक्यूल होता है, तो ये जो सामने चार्ट सा होता है ना इस पे बाकायदा स्केल भी बना हुआ होता है और साथ एरो हेड पॉइंटर्स भी होते हैं दोनों के साथ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो पेशेंट को बड़ा अच्छा सा पता चल जाता है, वो आपको बताते हैं कि उसे एरो कहाँ पर नजर आ रहे हैं, राइट आर्म से कहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म से, और जब वर्टिकल में हो तो ऊपर नीचे का बता देते हैं। इस तरह आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं कि आपका स्क्विंट क्या, तो मतलब आप वो आप समझने थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। लेकिन बहरहाल नो नीड टू गो इन द डिटेल्स ऑफ दैट। हम जो आप करने लगे वो है हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट। ये स्क्विंट के अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट। ठीक है, स्क्विंट में तो जाहिर है ये है ही है ना, वैसे भी इसको आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान भी है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी ये हमारे पास एक नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है, एक नॉर्मल पेशेंट की आंखें हैं जो बिल्कुल सीधी हैं, बायनोकुलर सिंगल विजन है, और हम एक पेशेंट की ये मैंने क्या रखा हुआ है, लाइट सोर्स है। ठीक है, सामने उसके मैंने एक लाइट सोर्स रखा है एक मुनासिब से डिस्टेंस पे, और जब हम लाइट सोर्स उसकी आंखों में शाइन करते हैं तो हमेशा दोनों आंखों का, अगर उसकी दोनों आंखें बिल्कुल ठीक है अलाइंड है, तो दोनों आंखों का ये जो आपका प्यूपिल का एरिया है वो एक ही जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज में जाके पड़ेगी और एक वाइट कलर की ना रोशनी सी आपको नजर आएगी। प्यूपिल नॉर्मली ब्लैक या डार्क कलर का ही होता है ना प्यूपिल, तो ठीक है, तो प्यूपिल के ऊपर आपको एक पतली सी व्हाइट से कलर का डॉट नजर आएगा और वो दोनों प्यूपिल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पर नजर आएगा, उसको हम कहते हैं कि ये अलाइंड है। हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट बिल्कुल ठीक है। बेसिकली जब आप लाइट शाइन करते हैं तो कॉर्निया से रिफ्लेक्ट होती है, उस रिफ्लेक्शन का व्हाइट से कलर का छोटा सा नुकता बनता है, उसको हम कहते हैं जो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट में, जिन लोगों का होता है ना स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट, और खासतौर पे जो मैनिफेस्ट स्क्विंट के लोग होते हैं। अब सपोज करते हैं मेरे पास यही वाला बंदा है और इसकी आंख जो है मतलब तो उसकी आईबॉल है वो यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पर है ये। अब डेफिनेटली मैं जब इसमें शाइन करूंगी ना, तो अगर इसकी तो मैंने बहुत ज्यादा डेविएटेड बना दी, इसमें मैं शाइन करूंगी तो यहाँ पर मुझे वो व्हाइट सा डॉट नजर आएगा जो कि स्क्लेरा पे है। इसका मतलब ये है कि एक आंख में प्यूपिल पे बन रहे, दूसरी आंख में स्क्लेरा पे बन रहे, विच मीन्स के मार्गली पेशेंट की आंख जो है वो किसी तरफ डेविएटेड है, और जाहिर सी बात है कि वो हमें नजर आ रहा है कि बाहर की तरफ है, तो पेशेंट को मार्क एक्सोट्रोपिया है और इससे हमें पता चल जाता है क्या हिसाब है। ठीक है, अच्छा फिर हमें कैसे पता चलता है, ये तो इस हमने पता कर लिया कि पेशेंट का कितना कॉर्नियल रिफ्लेक्शन आ रहा है, जरूरी नहीं कभी कभार उसका एक आंख में जो बन रहा होगा वो जैसे यहाँ पर बन रहा है ना, तो दूसरी आंख में समटाइम जैसा होता है कि पेशेंट का हल्का सा होता है ना, सपोज यहाँ पर थी उसकी आई बॉल, ठीक है, यहाँ पर थी, अब इसमें बहुत थोड़ी सी बाहर की तरफ डेविएटेड है, इसमें अब जो मेरा आंख बनेगा ना वो यहाँ पर बनेगा। अब आप अगर ये देखें, ये वाली आंख जो है उसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर पे बन रहे, ठीक है, मतलब सेंटर से मुराद है कि जो आपका प्यूपिल है उसके टॉप सेंटर पे, यहाँ पर आपका मीडियल साइड पे बन रहे, तो देखने में ही पता चल रहा है कि दोनों अलाइंड नहीं है। इसका मतलब ये कि पेशेंट को कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम है, और इवन यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉपरली आपको प्यूपिलरी मार्जिन पे, ये आपका प्यूपिल है ना पूरा प्यूपिलरी मार्जिन पे बनता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि भाई आपका स्ट्रैबिस्मस का केस है, कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट से माइल्ड स्ट्रैबिस्मस भी ना इससे अच्छा डिटेक्ट हो जाता है। अब हम चार्टिंग किस तरह करते हैं कि कितने डिग्रीज का है, याद रखना कि हमारे पास जो नॉर्मल होता है ना उसे हम कंसिडर करते हैं प्यूपिल के सेंटर में, सेंटर ऑफ द प्यूपिल में अगर हमें व्हाइट कलर का डॉट मिल रहा है कॉर्निया के रिफ्लेक्शन का, तो वो नॉर्मल है, और उससे जो जितने मिलीमीटर्स बाहर की तरफ या अंदर की तरफ डेविएटेड होगा ना उतने डिग्रीज हम कह देते हैं कि वो डायोप्टर का फर्क है। ठीक है, अगर 1 मिलीमीटर जो है वो सपोज यहाँ पर एक इस आंख का सेंटर में इस आंख का 1 मिलीमीटर के फर्क से आ रहा है, तो 1 मिलीमीटर का फर्क का मतलब होता है कि 15 डायोप्टर्स का स्क्विंट है, यानी 15 डायोप्टर्स का प्रिज्म आपको लेना पड़ेगा उसके स्क्विंट को ठीक करने के लिए, और जितने मिलीमीटर्स बढ़ते जाएंगे उतना 15 ऐड करते जाएंगे, अगर 2 मिलीमीटर हो जाएगा तो 30 डायोप्टर्स का स्क्विंट है, 3 मिलीमीटर हो जाएगा तो 45 डायोप्टर्स का स्क्विंट है। ठीक है, तो इस तरह 1 मिलीमीटर इज इक्वल 15 डायोप्टर के हिसाब से जितने मिलीमीटर्स का फर्क होगा नॉर्मल और आपकी डेविएटेड आई में उतना ही आपका डायोप्टर्स ऑफ योर प्रिज्म बढ़ते जाएंगे। एक अंदाजा अगर करना हो ना तो हम ये कहते हैं कि सपोज ये मेरे पास आंख है और ये बड़ी सी हमने बना ली आए, ठीक है,
और ये है सेंटर में प्यूपिल। तो एक जो नॉर्मल बंदा है उसका तो हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर सेंटर में लाए कर रहे, ठीक है, ऑलमोस्ट इस जगह पे, दिस इज नॉर्मल। जो प्यूपिलरी मार्जिन पे होता है उसको हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं 15 डायोप्टर्स, ठीक है, प्यूपिलरी मार्जिन पे। उसके बाद आपके पास जो आपका लाए करेगा ऑन योर लिम्बस के करीब, ठीक है, यहाँ पर लिम्बस के करीब, बल्कि लिम्बस मार्जिन पे नहीं, लिम्बस के आपके करीब लाए करेगा आउटसाइड योर प्यूपिल, उसको हम 30 डायोप्टर्स कहते हैं। और जो आपका लाए करेगा आउटसाइड योर ये वाला ऑन द स्क्लेरा, वो आपका नॉर्मली 45 डायोप्टर्स होते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है फिर उसके बाद स्क्लेरा पे जितना दूर तो जाता जाएगा। और ये आपका रिफ्लेक्शन क्यों इस तरह लाए कर रहे हैं, क्योंकि आपका सेंटर में ये वाली जो चीज़ है ये डेविएटेड, आपका आईबॉल डेविएटेड है, उसकी वजह से आपका कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट इधर उधर आता है। तो इस तरह से हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ पेशेंट ने देखना होता है लाइट सोर्स की तरफ और कुछ नहीं करना होता, और आपने नोट करना होता है कि कहाँ पर उसका रिफ्लेक्स आ रहा है। लेकिन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसके इससे हमें स्ट्रैबिस्मस में बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिलती है, और आपका जो 15, 30, 45 है ना, ये अक्सर आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं, इसलिए याद रखना है। यहाँ पर बात खत्म होती है, किसी को कोई मसला हो कि ना आसमी। थैंक यू।